अच्छा, अब अगर हम देखें डिल्यूजन्स डेट एक्सप्रेस अलॉट अ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड और बॉडी, लाइक ऐसे डिल्यूजन जिसमें जो है ना पेशेंट एक्सप्रेस करता है कि ही लॉस अ कंट्रोल ओवर हिज माइंड और बॉडी, तो उसे भी जो है ना हम जनरली बेजार कंसिडर करते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड The belief that one's thought have been removed by some outside force. इसमें जो है ना ऐसे डायलॉग्स भी आपको मिल सकते हैं जिसमें इंसान कहता है दैट उसकी जो थॉट्स है वो क्या हुई है, वो किसी आउटसाइड फोर्स ने जाके रिमूव की है, जिसे हम थॉट विड्रॉल डिल्यूजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बिजार डिल्यूजन इस तरह हो सकते हैं कि एलियन Thoughts have been put into one's mind, that aliens ने जो है ना क्या किए हैं, उन्होंने उसके दिमाग माइंड में जो है ना क्या डाले हैं, थॉट्स डाले हैं, जैसे हम थॉट इंसर्शन डिल्यूजन्स कहते हैं। और लास्ट वन जो है वो ये है दैट जो इंसान की जो बॉडी और एक्शन है वो क्या समझते हैं, दैट इट इज कंट्रोल्ड बाई सम आउटसाइड फोर्स। जो इंसान समझता है, बिलीव करता है, उसकी फॉल्स बिलीव होती है ये, दैट उसकी जो बॉडी है या एक्शन है वो क्या हो रहा है, वो इस कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्स, जिसे हम डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डिल्यूजन एंड अ स्ट्रॉन्गली होल्ड आइडियाज इज समटाइम डिफिकल्ट टू मेक। समटाइम एक इंसान की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड आइडिया होती है एंड डिल्यूजन के दरमियान जो डिफरेंशिएशन है वो काफी ज्यादा वो हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। बट समटाइम इट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द डिग्री ऑफ बिलीफ विद विच द बिलीफ इज होल्ड, ठीक है। समटाइम पे ये डिपेंड करती है किस चीज पे, डिग्री ऑफ कन्विक्शन, मतलब जो उनकी बिलीफ होती है, ठीक है, दैट उनका जो बिलीफ है वो किस चीज के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज को उन्होंने देख के ये आइडिया होल्ड किया हुआ है, ठीक है। डिस्पाइट आप जितने भी उनके जो कंट्रोडक्टरी एविडेंस वगैरह या एक्यूरेसी जो है ना उन्हें प्रोवाइड करें, ठीक है, लेकिन समटाइम ये चीजें थेरेपिस्ट के लिए भी जो है ना डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक डिल्यूजन है, जेलिसी डिल्यूजन कहते हैं, जिसे जिसमें जो है ना वो पेशेंट अपनी बीवी पे शक करता है, इसे हम ओतेलो भी कहते हैं, जेलिसी डिल्यूजन भी कहते हैं। उसमें वो अपनी बीवी पे शक करता है कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो ठीक है, हम कंसिडर कर लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पे डिल्यूजन्स है, ठीक है, दैट वो अपने बीवी पे शक कर रहा है कि वो किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। बट व्हाट इफ उसकी बीवी क्या वाकई में किसी दूसरे के साथ उसमें हो, अफेयर में हो, क्या पता लगता है, ठीक है। तो समटाइम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस हम जाके जो है ना एक कंप्लीट असेसमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे होते हैं, ठीक है। और इस वजह से जो है ना पेशेंट की जो बिलीफ होती है दे आर अनचेंजेबल इवन विद ईसीटीज और विद मेडिकेशन, ठीक है। यहाँ तो एक पेशेंट था, उसे जो है ना ईसीटीज भी दे दी गई थी और ट्रीटमेंट भी 6-7 दिन जो है ना उसकी जा रही थी, फिर भी ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज वो यही कह रहा था कि अपनी बीवी को जो है हम बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था, और ये उसके डायलॉग्स यही थी कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, शी इज इन अफेयर विद समवन एल्स, ठीक है। तो समटाइम इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स आ सकती है फिर। अच्छा, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन जो है जिसने मैंने आपको कहा है दैट इट इज द एक्टिवेशन ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। हेलुसिनेशन क्या है, एक परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंस है जो कि अकर होता है, डिस्प्ले होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस कोई है ही नहीं, ना कोई बंदा है, ना कोई आवाज है, ना कोई स्मेल है, ना कोई कुछ खा रहे हैं, ना कोई स्किन पे कुछ है, बट आपको जो है ना क्या हो रहा है वो चीजें फील हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, हेलुसिनेशन की जो वो है
एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल विविड एंड क्लियर होता है, ठीक है, लाइक इस तरह विविड एंड क्लियर होता है जैसे रील में हो रहा हो, ठीक है, एंड विद द फुल फोर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल परसेप्शन, ठीक है, लाइक जिस तरह नॉर्मल परसेप्शन इंसान की नहीं होती, चीजों को देख रहा है और उसे जो है ना जी सर, परसीव कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल हेलुसिनेशन में जो है ना बिल्कुल सेम लाइक उसी तरह हो रहा होता है, एंड दे आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, और हेलुसिनेशन जो है ना ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते, दे आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। अच्छा, हेलुसिनेशन जो है ना लाइक डिफरेंट सेंसरी मोडलिटीज में जो है ना इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है वो मोस्ट कॉमन है इन सारे हेलुसिनेशन के टाइप्स में, ठीक है, लाइक विजुअल हेलुसिनेशन भी है, गैस्ट्राइटरी भी है, ऑफ्लेक्टरी भी है, तकरीबन पांच है, तो उसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन है इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। The hallucinations may occur in the context of clear sensorium. Sensorium means sensory activation की बात हो रही है, sensory process या sensory function. अच्छा, sometimes ये जो hypnagogic and hypnopompic hallucinations है ना, ये खैर normal है, ये हमारे साथ भी हो रहा होता है। Sometimes जब हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है ना, तो उस दौरान हमें आप लोगों ने अपने साथ देखा भी होगा that हम नींद से जो है ना नींद से हमारे बिल्कुल बुरी हाल हो रही होती है, और जैसे ही हम आंखें बंद कर रहे होते हैं हमें हम एक जंप सा भी जो है ना मार लेते हैं, एक हमें आवाज भी जो है ना उस दौरान सुनाई दे रही होती है, या उस दौरान और इस तरह कुछ हो जाता है, तो दे आर नॉर्मल, टोटली नॉर्मल, ठीक है। और ये कब होता है, ये ड्यूरिंग फॉलिंग एस्लीप, सोने से पहले जब आपको बहुत सख्त किस्म की नींद आ रही होती है, और समटाइम हम जब उठ रहे होते हैं तो वहां पे जो है ना हमें हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन हो सकती है, ठीक है। हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन अक्सर उठने के बाद, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आप दिन के टाइम सो जाते हैं, जब रात को उठ जाते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि सुबह का टाइम है, ठीक है, और जब आप बाहर आके देख लेते हैं तो क्या होता है, वो अंधेरा होती है, ठीक है। जी सर, ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है ना ये नॉर्मल होती है हिप्नोपोम्पिक एंड हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस की, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन, बट इंसान जो है ना इंसान ने कभी इस चीज को जो है ना वो नहीं किया हुआ, क्या कहते हैं, वो जो अवेयरनेस वगैरह होती है इस चीज को जो है ना इस चीज पे कभी वो अटेंशन नहीं दिया। अच्छा, अब टाइप्स की तरफ आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन क्या है। अच्छा, सबसे पहले विजुअल हेलुसिनेशन है जिसमें जो है ना आपकी सीइंग थिंग्स इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, इसमें जो है ना इंसान क्या करता है, दे स्टार्ट सीइंग थिंग्स दैट आरंट देयर, वहां पे मौजूद नहीं होते बट दे स्टिल सीइंग दोस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, विजुअल पैटर्न भी हो सकता है, पीपल भी हो सकते हैं, लाइट्स भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट सी अ पर्सन हु इज नॉट इन द रूम और फ्लैशिंग लाइट दैट नो वन एल्स कैन सी बट ओनली दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस, ठीक है। ऑफ्लेक्ट्री जो है ना इज रिलेटेड टू योर सेंस ऑफ स्मेल, यू माइट स्मेल एन अनप्लेजेंट ऑडर्स, ठीक है, या यू माइट स्मेल सेंट्स which you find enjoyable like smell of flowers, ठीक है, and this usually happen when you waking up in the middle of night or feel that your body smells bad when it doesn't, ठीक है, क्योंकि वो चीज जो है ना सिर्फ आपको वो फील हो रही होती है औरों को नहीं, ठीक है, आपको लगता है मेरे बॉडी से जो है ना गंदी स्मेल जा रही है, या आप गंदी स्मेल आ रही होती है, या एट द सेम टाइम scents you start experiencing scents which you find enjoyable like smell of flowers etc, ठीक है, तो affective hallucinations में जो है ना आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बेसिकली अफेक्ट हो जाती है। गैस्ट्राइटरी हेलुसिनेशन इज सिमिलर टू ऑफ्लेक्टरी हेलुसिनेशन, इट इज रिलेटेड टू योर सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है इसमें बेसिकली, जब गैस्ट्राइटरी हेलुसिनेशन होती है इसमें लोग मेटेलिक लाइक टेस्ट जो है वो फील करते हैं। मेटेलिक टेस्ट को जानते हैं? नो सर। मेटल को कभी मुंह में पकड़ा हुआ है? मेटल को जी सर, वो चाबी वगैरह को, चाबी वगैरह, ठीक है, तो चाबी जब आप लोग
अभी भी ट्राई करें, आप लोगों को फील हो जाएगा कि उसकी वजह से कैसा टेस्ट टंग पे आता है, ठीक है। तो बेसिकली गैस्ट्रिक हैलुसिनेशन में भी जो है ना मेटेलिक टाइप टेस्ट जो है वो इंसान, वो पेशेंट जो है फील करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। और ये बेसिकली कॉमन है उन लोगों में जो कि सफर कर रहे होते हैं एपिलेप्सी से, मिर्गी की बीमारी से, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसमें जो है ना लोग क्या करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग से इसके साथ ताल्लुक है, एंड इट इज वेरी कॉमन अमंग साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। यू माइट हियर समवन स्पीकिंग टू यू और टेलिंग यू टू डू सर्टेन थिंग्स, द वॉइस मे बी एंग्री, न्यूट्रल और वार्म, ठीक है। Other examples of hallucination include hearing sound like someone walking in the attic. Attic means जो ऊपर वाला floor हो या ground floor पे कोई चल रहा हो, या repeated clicking वगैरह हो गई है, या tapping noises वगैरह जो कि दूसरों को सुनाई नहीं दे रही होती है, सिर्फ आपको दे रही होती है। Sometimes इसमें इंसान की ये सोच भी बन जाती है कि ये शायद जिन्नात है जो मेरे साथ ये कर रहे हैं और ये और वो, ठीक है। तो हालांकि वो हमारे मुआशरे में तो ये है बेचारे साइकोसिस से सफर कर रहे होते हैं, और हमारे घर वालों की यही सोच होती है कि इस पे जिन्नात बैठ गए हैं, तो वो बेचारा फिर ख्वार हो रहा होता है मौलियों के पीछे, ठीक है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन इन्वॉल्व्स द फीलिंग ऑफ टच और मूवमेंट ऑन योर बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट फील दैट बग्स जो कीड़े मकोड़े आर क्रॉलिंग ऑन योर स्किन, and that your internal organs are moving around, ठीक है। तो ये देखिए सारे weird किस्म की जो है ना वो feelings होती है during hallucination. Like sometime आपको लगता है कि जो bugs है they are running on your skin, ठीक है। Sometime ये भी हो सकता है कि you think that the bugs are inside your skin, they are crawling inside your skin, ठीक है। Sometime आपको लगता है जो सफर कर रहा होता है that internal organs are moving here and there, ठीक है। You might also feel the imagine touch of someone's hand on your body, ठीक है। Sometimes जो किसी इंसान का जो touch है वो भी जो है ना आप अपनी body पे जाके जो है during tactile hallucination महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक clear है सबको? जी सर। अच्छा अब सबको clear है, कोई question तो नहीं है? जी सर। अच्छा अब आते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग की तरफ। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग में जो है ना आपके पास आ जाता है बेसिकली जो डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती है ना, जिसे हम फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर का जो है ना ड्यूरिंग साइकोसिस आपको उस पेशेंट की स्पीच की वजह से पता लग जाता है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल जो पेशेंट क्या करता है, जब आप एक क्वेश्चन उससे पूछते हैं तो वो क्या करता है, वो समटाइम्स स्विच करता है फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, ठीक है। जैसे हम लॉज ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं और डिरेलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा आंसर्स टू क्वेश्चंस मे बी ऑब्लिकली रिलेटेड और कंप्लीटली अनरिलेटेड, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो लिमिटेडली या थोड़ा सा जो है ना रिलेट कर रहा होता है आपके क्वेश्चन के साथ, या कंप्लीटली अनरिलेट कर रहा होता है, जिसे हम टेंजेंशियलिटी भी कहते हैं, ठीक है। टेंजेंशियलिटी, ठीक है, मतलब आप मैं क्वेश्चन ए करता हूँ और रिस्पांस में जो है ना वो या तो इस तरह रिस्पॉन्स देता है कि वो थोड़ा सा रिलेट कर रहा हो या बिल्कुल इररिलेवेंट हो, ठीक है। तो इसे हम टेंजेंशियलिटी कहते हैं। ऊपर जब फ्रॉम वन टॉपिक से टू अनदर जंप मार रहा हो, स्विच कर रहा हो, एक टॉपिक स्टार्ट किया फिर दूसरा फिर तीसरा, एकदम वो जंप स्विचिंग कर रहा हो, तो दिस इज बेसिकली डिरेलमेंट और लूज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा स्पीच मे बी सो सीवियरली डिसऑर्गेनाइज्ड दैट इट इज नियरली इनकम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। स्पीच इतने हद तक अफेक्ट हो सकती है या इतने हद तक सीवियरली डिसऑर्गेनाइज हो सकती है कि वो क्या हो, इट इज नियरली इनकम्प्रिहेंसिबल दैट वो जो कह रहा हो आप जो है ना उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, ठीक है। वो आपके लिए जो है ना इनकम्प्रिहेंसिबल होता है, ठीक है। वो एक चीज को जो है ना इस तरह एक्सप्लेन करते हैं जिसकी मीनिंग ही नहीं होती। समटाइम एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है रिसेप्टिव एफेजिया, ठीक है, जिसमें जो है ना लिंग्विस्टिक डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। लिंग्विस्टिक मीन हमारी जो बात है, हमारी जो टॉक वगैरह हो रही है, ठीक है, इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम वर्ड सैलेड भी कहते हैं और कंफ्यूज्ड
इनकोहेरेंस भी कहते हैं, इनकोहेरेंस भी कहते हैं, कंफ्यूजन स्टेट और वर्ड सैलेड, लेकिन वर्ड सैलेड ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज में जो है ना हम यही वर्ड ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग यूज कर सकते हैं विद डायलॉग राइटिंग, ठीक है। बिकॉज माइल्डली डिसऑर्गेनाइज स्पीच इज कॉमन एंड नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, जो माइल्डली डिसऑर्गेनाइज स्पीच है वो एक्चुअली कॉमन है बहुत ज्यादा। द सिम्पटम मस्ट बी सिवियर एनफ टू सब्सटेंशियली इंपेयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो साइकोसिस वाली डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग या स्पीच है वो सिम्पटम्स इतने सिवियर होते हैं कि वो जाके इम्पेयर स्टार्ट हो जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है। द सिवियरिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट मे बी डिफिकल्ट टू एवेल्युएट इफ द पर्सन मेकिंग द डायग्नोसिस कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड देन दैट ऑफ द पर्सन बी एग्जामिन्ड, ठीक है। अच्छा, अब आपका एक लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, ठीक है, जुबान का, और आप दूसरे कल्चर के या दूसरी कंट्री से एक बंदा आया हो, आप उसे एवेल्युएट कर रहे हैं, तो उस दौरान आपका बहुत आपको बहुत ज्यादा आपको आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता हो जाता है कि आप ठीक तरीके से जाके एवेल्युएट करें उस बंदे को फॉर्मल टॉट डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं लेस सिवियर डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच में अकर ड्यूरिंग द प्रोनोमल एंड रेजिड्यूअल पीरियड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जो लेस सिवियर डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच है दैट मे बी पॉसिबल, बट कब, जब साइकोसिस बीमारी की डेवलपमेंट हो रही हो जिसे हम प्रोड्रोमल स्टेट कहते हैं, और जब साइकोसिस बीमारी की फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया हो या कोई भी बीमारी हो जब वो ठीक होने की तरफ जा रहे हो जैसे हम रेजिड्यूअल पीरियड कहते हैं, तो उस दौरान जो है लेस सिवियर डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग की स्टेट बन सकती है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, ठीक है, इसमें कैटाटोनिक बिहेवियर आ जाते हैं और ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। तो ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर मे मैनिफेस्ट मे डिस्प्ले इटसेल्फ इन अ वैरायटी ऑफ वेज, फॉर एग्जांपल इसमें जो है चाइल्ड लाइक सिलीनेस टू अनप्रेडिक्टेबल एजिटेशन, मतलब चाइल्डिश टाइप बिहेवियर होती है जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है ना जाके इजिली इरिटेट हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। पीपल प्रॉब्लम मे बी नोटेड इन एनी फॉर्म ऑफ गोल डायरेक्ट बिहेवियर, जो कि लीड करती है किस चीज की तरफ, डिफिकल्टीज इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। तो ग्रॉस डिसऑर्गेनाइज में जो है ना उनके जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं वो इस किस्म की होती है कि वो जो एक्टिविटीज होती है डेली लिविंग के उसमें जो है ना डिफिकल्टीज दूसरों के लिए क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि इनके बिहेवियर जो है ना वो बहुत ज्यादा सिलीनेस चाइल्ड टाइप होती है जिसकी वजह से दूसरे लोग इजीली जाके इरिटेट हो सकते हैं। कैटाटोनिक बिहेवियर है, कैटाटोनिक बिहेवियर ये है कि इसमें जाके डिक्रीज स्टार्ट हो जाती है इन रिएक्टिविटी टू द एनवायरनमेंट, मीन जो हमारा अपने सराउंडिंग के लोगों जो एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसमें जो हमारी रिएक्शंस होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो वो जो है साइकोसिस में बिल्कुल जाके कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना नेगेटिविज्म होता है, कैटाटोनिक बिहेवियर में ये आता है, ठीक है, नेगेटिविज्म होता है। नेगेटिविज्म ये है कि हम जो पेशेंट होता है वो जाके रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड्स इंस्ट्रक्शन, मतलब आप बोल रहे हैं और आपके बोलने का जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, टू मेंटेनिंग रिजिड इन अप्रोप्रिएट और बेजार पोस्टर, एक बेजार किस्म का जो है ना इन अप्रोप्रिएट पोस्टर जो है ना इन्होंने मेंटेन किया होता है, ठीक है। टू अ कंप्लीट लैक ऑफ वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्सेज, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स जो है ना बिल्कुल तकरीबन जीरो के बराबर होते हैं जिसे हम म्यूटिज्म एंड स्टूपर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड पर्पसलेस एंड एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी विदाउट ऑब्वियस कॉज, मतलब विदाउट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है इनकी जो है एक्सेसिव मोटर एक्टिविटीज होती है, कोई पर्पस होता नहीं है, बस लगे रहते हैं, ठीक है। अदर फीचर्स आर रिपीटेड स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट, स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट जो है ना इनकी बहुत ज्यादा होती है, जिस तरह ऑटिज्म में और हमने स्टीरियोटाइपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर का जो है ना हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो जो है ना इनमें भी होती है।
इनमें इकोलेलिया होता है, एकोप्रेक्सिया है कि क्या है, ठीक है, मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ एक्शंस वगैरह, म्यूटिज्म हो गई है, स्टेरिंग हो गई है, ठीक है, ग्रेमिसिंग हो गई है, ठीक है। तो ये जो है ना कैटेटोनिया के सारे फीचर्स है। Although catatonia has historically been associated with schizophrenia, catatonic symptoms are non-specific and may occur in other mental disorder. ठीक है, अब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि catatonic जो symptoms है वो सिर्फ psychosis नहीं हो, they can be probably due to medication की वजह से भी जो है ना catatonic conditions या symptoms आ सकते हैं, ठीक है। ये antipsychotic drugs है, haloperidol है मेरे ख्याल में, haloperidol आई थिंक सो, उसकी वजह से जो है ना catatonic problems symptoms start हो सकती है sometimes। और ये इसके अलावा bipolar disorder हो गया है, depressive disorder हो गया है, depression disorder जब extreme level पे चला जाए तो वहां पे आपको म्यूटिज्म एंड स्टूपर जो है एंड नेगेटिविज्म जो वो जो है ना आपको पेशेंट में दिखाई दे सकती है। अच्छा, इन मेडिकल कंडीशन जो मैंने आपको बताई है कि कैटाटोनिक डिसऑर्डर जो है मेडिकल कंडीशन या मेडिकेशन की वजह से जो है ना इसके पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट की फीचर्स है साइकोटिक डिसऑर्डर है वो जो है नेगेटिव सिम्टम्स है, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ साइकोटिक इलनेस को वो करती है, क्या कहते हैं, कवर करती है, ठीक है। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो काफी हद तक अपना रोल प्ले कर रही होती है। एंड स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा नेगेटिव सिम्टम्स आर लेस प्रोमिनेंट इन अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना काफी सिग्निफिकेंट रोल है नेगेटिव सिम्टम्स का, वर्ल्ड जो अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म हो गया है, स्किज़ोअफेक्टिव हो गया है, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया है, psychotic disorder due to general medical condition or medication or substance abuse ho gaya hai and delusion disorder un sab mein jo hai na negative symptom ka itna role nahi hai jitna schizophrenia mein ye apna significant portion ko cover up kar raha hai. Acha, two negative symptoms jo hai wo bahut zyada prominent hai schizophrenia mein. Ek hai diminished emotional expression, theek hai, diminished emotional expression, and second one is evolution, ठीक है। अब ये diminished emotional expression and evolution क्या है, तो diminished emotional expression ये है कि आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, यस सर। यहाँ पे जो है ना असल में ये इंटरनेट कनेक्टिविटी लो आ जाती है इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, diminished इमोशनल एक्सप्रेशन जो है उसमें जो है ना क्या चीज इंक्लूड है, इसमें जो है ना आपकी जो रिडक्शन आ जाती है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, मतलब हमारी बातों जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारी इमोशंस जो है दूसरे बंदे को हमारे फेस से, हमारे आई से, आई कॉन्टेक्ट से, हमारी इंटोनेशन जो है उसे कहते हैं टोन ऑफ स्पीच, ठीक है, हमारी जो आवाज है उसकी टोन उसे कहते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ हैंड हो गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हेड एंड फेस, दैट नॉर्मली गिव एन इमोशनल एम्फेसिस टू स्पीच, ठीक है। तो क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना इन सारी एक्सप्रेशंस की जो है ना जाके रिडक्शन आ जाती है, ठीक है। इसके बाद एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन बेसिकली डिक्रीज इन मोटिवेशन है, ठीक है। इसमें जो सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसेस एक्टिविटीज होती है उसकी तरफ जो हमारी मोटिवेशन होती है, नॉर्मल लोग जो मोटिवेशन होती है पर्पसफुल एक्टिविटीज की तरफ, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना जाके डिक्रीज हो जाती है। द इंडिविजुअल मे सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड शो लिटिल इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन वर्क और सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, लाइक पूरा दिन इसी तरह बैठा रहता है एंड ही स्टार्ट शोइंग लिटिल इंटरेस्ट इन participating in work or social activities, ठीक है। ये तो दो main negative symptoms थे जो कि schizophrenia में जो है ना basically पाई जाती है। इसके साथ तीन और negative symptoms हैं जिसमें alogia आ जाता है। alogia mean diminish speech output, मतलब वो बंदा बिल्कुल वो हो जाता है, इतना बातें नहीं करता, उनके जो
स्पीच वगैरह होती है वो टोटली लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। स्पीच आउटपुट मतलब बिल्कुल टोटली डिमिनिश हो जाती है। एनहेडोनिया जो है डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब आज जो हम रेगुलर रूटीन में जो है ना जिन चीज़ों से जिन एक्टिविटीज से जो है ना हमें प्लेजर मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल टीवी देखना, कुकिंग करना, मैं आप लोग के लेक्चर बना रहा हूँ तो हमें उससे प्लेजर फील कर रहा हूँ, मेरे लिए एक प्लेजर एक्टिविटी है, मेरे लिए एक वर्क प्लेस का काम है जिसकी वजह से जो है मैं प्लेजर फील कर रहा हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना ये डेली एक्टिविटीज से, यार एक मिनट ये काम वाली भी जो है ना, अच्छा एनहेडोनिया मतलब जो डेली लाइफ में हमें जो है ना जिन एक्टिविटीज से जो है एक प्लेजर मिल रहा हो, जो पॉजिटिव स्टिमुलाई है, ठीक है, तो वो बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना ये सारी वो हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। जिन चीजों से जो है ना हमें बेसिकली वो प्लेजर मिल रहा होता है वो तकरीबन सारी खत्म हो जाती है। वी स्टॉप फीलिंग एनी प्लेजर फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट वी आर दैट वी हैड डन और हम जो है ना बेसिकली अपने लाइफ में कर रहे थे। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया में तो एक ये है कि एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ऑलरेडी वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तो मोटिवेशन खत्म होने के साथ साथ एक ये भी है कि हम एनहेडोनिया की तरफ चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो जो प्लेजर मिल रहा होता था एक्टिविटीज से वो बिल्कुल खत्म हो जाती है जाके। अच्छा लास्ट वन जो है वो है एसोशियलिटी। एसोशियलिटी किसे कहते हैं, इज द अपेरेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल इंटरेक्शन एंड मे बी एसोसिएटेड विद एवोल्यूशन, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अगर मैं एसोशियलिटी की इन शॉर्ट में आप लोगों को समझाओ तो स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स के साथ जो है उनमें सोशल विड्रॉल आ जाता है। सोशल विड्रॉल मीन उनकी जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल कम्युनिकेशन है, वो टोटली जाके डिमिनिश हो जाती है। दे प्रेफर टू बी अलोन, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको साइकोसिस के करेक्टरिस्टिक में समझाया है, दे प्रेफर टू बी अलोन इंस्टेड एंगेजिंग विद अदर पीपल, ठीक है। तो ये था आप लोग का आज का लेक्चर, होपफुली आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग होगा आज का लेक्चर, काफी सारी टर्मिनोलॉजीज वगैरह सीखी होंगी और जी सर इसके बेस पे जो है ना अब आप लोगों ने जो है ना जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाकी जितने डिसऑर्डर्स है इस चैप्टर के, अब आप लोगों ने जो है ना इन स्लाइड्स को पढ़ के जो है ना आप लोगों ने अपने लिए एक बेस बना दिया है दैट साइकोसिस क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या है, जी सर डिफरेंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, जिस तरह वो टेबल में मैंने आपको दिखाई है विद की फीचर्स एंड ड्यूरेशन एंड प्रेवलेंस। अच्छा आप लोग को की फीचर्स का पता चला है, डिल्यूजन क्या है, डिल्यूजन्स के टाइप क्या है, अच्छा विद एग्जांपल हेलुसिनेशन का आपको पता चला है, हेलुसिनेशन इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एंड टाइप्स हो गए हैं विद एग्जांपल्स आप लोग का। फिर इसके बाद डिसऑर्गेनाइज जो स्पीच और थॉट है जिसे हम फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें आपकी डिरेलमेंट और लूज ऑफ एसोसिएशन आ जाता है, जिसमें आपका टेंजेंशियलिटी आ जाती है, जिसमें आपके वर्ड इनकोहेरेंस और वर्ड सैलेड आ जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने ग्रॉस मोटर एबनॉर्मलिटी जिसमें आपको मैंने सिलीनेस का बताया है दैट इनकी कोल डायरेक्टेड बिहेवियर इस तरह होती है जिसकी वजह से एक पर्पसलेस टाइप होती है, ठीक है, उसका कोई पर्पस ही नहीं होता है, और सिलीनेस बिहेवियर की वजह से दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो इजिली जाके एजिटेटेड हो जाते हैं, मतलब इरिटेटेड हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। फिर नेगेटिव सिम्टम्स है, नेगेटिव सिम्टम्स इज इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बट ओनली स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, बाकी जो साइकोटिक डिसऑर्डर है उनका कोई इतना प्रोमिनेंट वो फीचर नहीं है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में फिर दो अहम सिम्टम्स है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, जिसमें डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं एंड एवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है।
अदर जो तीन सिम्टम्स हैं एलोजिया एंड एनहेडोनिया एंड एसोशियलिटी. अच्छा इसमें एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एक किस्म है स्किजोफ्रेनिया का जिससे हम नेगेटिव स्किजोफ्रेनिया कहते हैं. ठीक है, नेगेटिव स्किजोफ्रेनिया ये हेलुसिनेशन डिल्यूजन डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड एबनॉर्मल मूवमेंट जो थी ग्रॉसली एबनॉर्मल मूवमेंट जो है ये स्किजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स हैं. और जो नेगेटिव सिम्टम्स है इसमें ये पांचों आ जाते हैं डिमिनिश इमोशनल एक्सप्रेशन एवोल्यूशन एलोजिया एनहेडोनिया एंड एसोशियलिटी. तो समटाइम ये याद रखे दैट जो अगर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक पेशेंट में जो है पॉजिटिव सिम्टम्स हो भी नहीं सकते ओनली नेगेटिव सिम्टम्स के साथ वो आ सकता है जिसे हम डायग्नोज करते हैं नेगेटिव स्किजोफ्रेनिया के साथ. ठीक है, नेगेटिव स्किजोफ्रेनिया के साथ. ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का. कोई क्वेश्चन है वो कौन से डिसऑर्डर क्या जिसमें एक बंदा जो है मतलब और वो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती लेकिन वो लैंग्वेज बोल रहा होता है. मलाइका आप काइंडली थोड़ा सा रिपीट करें, आपकी आवाज जो है ना दरमियान में थोड़ी सी मिस हो गई थी ना. वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें अभी ठीक है? हाँ हाँ आप तो क्लियर है, आप क्लियर है. वो मतलब कौन सा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक बंदा जो है फॉरेन एक्सेंट में बात कर रहा होता है फॉरेन लैंग्वेज बोल रहा होता है उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज बोल रहा होता है. नहीं तो वो लैंग्वेज ठीक होती है अंडरस्टैंडेबल होती है टुवर्ड्स अदर या नहीं? नहीं सर मतलब वो परफेक्टली फॉर एग्जांपल अब कोई बंदा जो है उसने कभी जिंदगी में इंग्लिश नहीं पढ़ी हो लेकिन उसको अचानक से मतलब इंग्लिश आना शुरू हो जाती है और वो फर से तेजी से इंग्लिश जो है वो बोल रहा होता है. नहीं मतलब देखे कैसे पॉसिबल है? देखे इसमें जो है ना एक पॉइंट तो ये हो सकता है कि उसकी जो है ना अनकॉन्शियस लेवल पे थोड़ी सी उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है दैट्स व्हाई ड्यूरिंग दैट डिसऑर्डर वो उस चीज को स्टार्ट कर लेता है. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. एंड सेकंड ये हो सकता है कि वो कोई लैंग्वेज इस तरह बोल रहा हो फ्लुएंटली बट दैट लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल सराउंडिंग दैट पर्सन. एक ये पॉइंट हो सकती है. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने वो चीज सीखी ना हो या उसके रिलेटेड उसे कोई वो इन्फो ही ना हो. ठीक है, एक तो ये है डीआईडी हम कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. ठीक है, उसमें जो है ना सम टाइम जो है अपनी आइडेंटिटी चेंज करके लोग उस दूसरे बंदे की जो है ना आइडेंटिटी को अडॉप्ट करके उसे फॉलो करते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में. ठीक है, अगर हम इसके लिहाज से देखें फॉर्मल टॉट डिसऑर्डर के लिहाज से तो इसमें जो है ना स्पीच जो होती है वो वर्ड इस तरह बना रहा होता है वर्ड सैलेड टाइप होता है जो कि दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता. अगर आप समझते हैं कि उसके अल्फाज दूसरे लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल है तो दैट मे कम अंडर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. और अगर आप समझती है कि वो एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है जो कि सराउंडिंग पीपल और जो थेरेपिस्ट है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि ये बोल क्या रहा है तो दैट इज बेसिकली दैट इज बेसिकली फॉर्मल टॉट डिसऑर्डर जिसे हम डिसऑर्गेनाइज थॉट और स्पीच भी कहते हैं. ठीक है जी सर. ठीक है, डीआईडी वैसे भी जो है ना हम इंशाल्लाह डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे. अल्लाह करे कि हम थोड़ी सी स्पीड और भी तेज करें दैट एटलीस्ट हर क्लास में हम दो दो या तीन तीन डिसऑर्डर्स कवर करें तो उसके साथ हमारा काफी कोर्स कवर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डीएसएम कवर हो जाएगा. तो जितना ज्यादा कोर्स कवर करेंगे उतने ही ज्यादा आप लोग की लर्निंग होगी इंशाल्लाह. चले और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर. सबको क्लियर है जी. चलो ठीक है.